बेगूसराय के बखरी नगर के पुरानी थाना रोड से एक चोर को पैसा लेकर भागने के क्रम में लोगों ने धर दबोचा, जिसके बाद पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोनमा निवासी रूबी देवी ने बताया कि बुधवार को वो अपने पति मणिकांत गुप्ता के साथ नगर के यूको बैंक से पैसा निकालकर जा रहे थे। वहीं जाने के क्रम में किसी ने उनके शरीर पर कोई रसायन फेंक दिया, जिसके बाद अचानक तेज जलन होने लगी। जलन से बेचैन होता देख मणिकांत अपनी पत्नी को एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर उसके लिए दवाई लेने चला गया। वहीं मणिकांत ने बताया कि बैंक से निकले पैसे को मोटरसाइकिल पर छोड़कर अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने गया। इसी दरमियान एक युवक पैसे को लेकर भागने लगा। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने चोर को खदेड़ कर पकड़ लिया। मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर इंस्पेक्टर सह बखरी थानाध्यक्ष मुकेश पासवान पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष मुकेश पासवान ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना नाम एलिस गोला तथा खुद को जलपाईगुड़ी का निवासी बताया है। इसके पास से डिक्की खोलने का मास्टर चाबी, एक ब्लेड, डिक्की तोड़ने का एक यंत्र भी बरामद किया गया है। बैंक गलिए, बैंक से पैसा ले लिए, बाजार गलिए, मार्केटिंग करे लगलिए, उतने देर में पैसा लेके भाई गले के निकल गया। सर पकड़े कैसे इसको? पकड़े हल्ला करके दबाए के तब पकड़ लगे। उसके बाद क्या किए? तो पैसा फेंक दल गया, वो अपने भाई गले, तब सब मिल के एगो आदमी पकड़ लखनी यहाँ कलखिन, जो यहाँ तब फोन कलखिन आ यहाँ से गलखिन बड़ा बाबू, तब पकड़ के। कितना पैसा था? 49,900। किस बैंक से निकाले थे? इको बैंक से। सर यूको बैंक से रुपया निकाले थे और निकालने के बाद जो है सो मसाला मिल पर गए थे पुरानी थाना रोड में, वहीं पर हमारी पत्नी जो है सो के शरीर पर कुछ केमिकल छिड़क दिया जो लहर और जलन देने लगा। वहीं पर हमारा एक रिश्तेदार है, उन्हीं के घर पर तब तक हमारी पत्नी गई, वहां पर स्नान करने लगी जो लहर जलन कुछ कम हो जाए। तब तक हम श्वेता मेडिकल है बकरी में, वहीं पर गए कुछ टैबलेट वेबलेट लेकर, सोचे कि खिला देते हैं आराम हो जाएगा। उतना ही देर में मोटरसाइकिल में बैग लटका हुआ था मेरा और उसी से रुपया लेके वो भाग रहा था। तब उसके बाद मेरा नज़र पड़ा तो हम हल्ला किए कि पकड़िए पकड़िए रुपया लेके भाग रहा है। तो आगे जो है सो कुछ आदमी था, वो पकड़ा इसको और ये रुपया क्या क्या फेंक दिया। तो एक आदमी रुपया उठा के हमको सारा रुपया दे दिए और इसको पकड़ के रखे। उसके बाद थाना को फोन किए, यहाँ से सर गए और उसके बाद यहाँ लाए पकड़ के। कितना पैसा था? 49,900 रुपया।